हाँ जी हेलो हेलो, हाँ जी हाँ गुड जी आफ्टरनून सर। हाँ जी हाँ सर, संजय सर बोल रहे हैं। जी हाँ बोल रहा हूँ। सर, आपका चैनल डिजिटल फर्स्ट न्यूज मैं देखती हूँ। सर, जी मैं सुमन बोल रही हूँ फ्रॉम बरेली से। और जी क्या आप मेरी कुछ बात सुन सकते हैं? बताइए बताइए। सर, मैं वैसे तो कुछ पर्टिकुलर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन दो बातें कहना चाहती हूँ। आप जी अगर आप मेरा मैसेज दे सकें तो। मेरी बात ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पे ये जो दो लोग बहुत ज़्यादा आपस में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उसको देख के, दोनों को ही देख के मुझे बहुत दुख हुआ। सबसे बड़ी बात तो सर ये है, इसमें मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, पब्लिक से भी कहना चाहती हूँ और दोनों गुरु से कहना चाहती हूँ, कि इस तरह से बोलना, शक्तियों का प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लिए बहुत ही खराब है। इससे सनातन धर्म का एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि अवहेलना हो रही है। तो मुझे काफी दुख हुआ। वो भी करौली सरकार भी बोल रहे हैं, इधर से पन्नोखर सरकार भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है उनके, और वो भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है ये है वो। तो सर ये सब क्या है? तो आप कोई ऐसे, मतलब ऐसा कोई वीडियो बना के, ऐसी कोई किसी से भी ऐसा टॉक करके आप क्यों नहीं डाल रहे हैं कि एक सनातन धर्म के नाम पर भी ये गलत है? आपने कभी किसी मुस्लिम को कहते हुए सुना है कभी सोशल मीडिया पे कि ये मौलवी ऐसा कर दिया, वो मौलवी ऐसा कर दिया, वो मौलवी ऐसा कर दिया, कभी सुना है आपने? नहीं, बात बात सुनिए। सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो एक धर्म की बात है, ठीक है, उसका पक्ष अपनी जगह है। लेकिन लेकिन मेरे पास सुनिए, मेरे पास सुनिए, मेरे पास धर्म से भी बड़ा मानवीय पक्ष है। हाँ, आपकी मानवीय बात पक्ष, सही है। मानवीय पक्ष में क्या है, जब कोई व्यक्ति बहुत थका हारा लाचार होकर मजबूर होकर अपने आपके पास कोई अपेक्षा लेकर के आता है, उसे विश्वास होता है कि जिस मुश्किल से वो चल रहा है, आपके पास वो शक्तियां हैं, आप सिद्ध साधक हैं, आप उनका समाधान करेंगे। वहां पर अगर आपसी प्रतिस्पर्धा को ले लेते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, अपनी एनर्जी को उधर वेस्ट करते हैं, और जो आपके पास आपके भक्त आए हुए हैं वो बाद में आपको खोजते रहते हैं और आपका कांटेक्ट नंबर तक नहीं हो पाता, या आपसे मिलता है तो मिलने की भी 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, एक मीटिंग की भी आपकी फीस होती है, और उस वक्त आप ये भी नहीं देखते कि ये व्यक्ति, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये कहाँ से पैसा उधार लेके आया है, या कहीं कोई घर बेच के आया है, या क्या है। उसकी भावनाओं के साथ आप इस तरह से खेल जाते हैं कि व्यक्ति सारी प्रक्रियाएं करने के बाद भी अगर खाली हाथ रहता है, उसकी जेब भी फट जाती है, और उसका जो मुश्किल है, उसकी जो हालात है, वो और बद से बदतर हो जाते हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में ये भावना है कि फला आदमी, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो चाहे सनातन का ही क्यों ना हो, गलती करने की छूट क्या सनातन वाले को होनी चाहिए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सनातन वाला गलती कर रहा है तो क्या आप चुप रहोगे, आप नहीं बोलोगे? नहीं सर, मैं वहीं पे बात कर रही हूँ कि मैं हम आपसे, हमारे नहीं, मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलती, भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि अन्याय जितना अन्याय करता है उससे जितनी हानि नहीं होती। ज्ञानी उस अन्याय को जान करके, बूझ करके भी जब चुप रहते हैं तब ज्यादा हानि होती है। बिल्कुल सही बात तो है आपकी। अगर आप, आपको पता है वो व्यक्ति गलत कर रहा है और आपके पास शक्ति है उस गलती को रोकने की, तो भाई साहब, जब आपके पास इतनी सूक्ष्म ताकतें हैं तो आपको बोलने की दरकार नहीं, उस व्यक्ति की सारी शक्तियों को खींच लीजिए, उसको नियंत्रित कर हाँ, दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। हाँ, इससे सोशल मीडिया पे बोलना, सारे पब्लिक प्लेस पे इस तरह से करना, ये बहुत गलत है। जो भी चीजें उसको सर आसानी से अपनी शक्तियों से, या फिर उससे, हेलो,
सुमन जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ सुमन जी सुन रहा हूँ। या हाँ आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसी व्यक्ति से बात करके भी उसकी समस्या का समाधान हो सकता था। इस तरह से ये सोशल मीडिया पे डालना और इस तरह से बोलना, इसी से दोनों लोग। आपने मेरा पहला वीडियो नहीं सुना, शायद नहीं सुना, इन दोनों गुरु के बीच तनातनी क्यों चल रही है, उसमें मैंने बहुत बातें कही इन दोनों को कही। और उसको उसके जाने के बाद ही फिर गुरु शरण जी का मेरे पास फोन आया था। समझे बात मेरा? देखिए सम्मान बहुत था मेरे मन में, भी था, आज भी है। चलो उनके पास कुछ श्रेष्ठ स्थिति है तो सम्मान है, लेकिन इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं ना लोगों के दुख के दर्द के, तब ऐसा लग रहा है कि नाम बड़े थे दर्पण लेकिन छोटे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मैं अगर आप मेरा अनुभव शेयर मतलब सुनना चाहेंगे तो मैंने तो मैं आपको सुना सकती हूँ। मैं वैसे किसी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन पंडोखर सरकार को मैं बहुत मानती हूँ। मैं वहाँ पिछले 2 साल से जा रही थी और मेरी जो भी मुझे शारीरिक कष्ट था, मैं खुद ही अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ। मेरा इतना शारीरिक कष्ट था सर कि मेरे दांत जो थे, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आज सोमवार है, मेरा फास्ट है, मेरे दांत बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। और मेरे घर वालों ने मुझे आईसीयू में एडमिट कराया था बरेली में ही। तो मैंने मम्मी को एक कागज पे लिख के दिया था कि मुझे आप मेरे गुरुजी के पास ले चलिए, मैं क्योंकि डॉक्टर को बीमारी पता नहीं चल रही थी। तो वहां से प्रेयर करके हनुमान जी को हमारी मम्मी पापा हमें लेकर गए वहां पे पंडोखर सरकार में। तो वहां पे हमने अपना जो भी पर्ची कटाया, कटाने के बाद में हमारी गुरुजी से मीटिंग भी हुई और इतना अच्छे से उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख के हमसे यही बोला कि बेटा आप पर जो भी प्रॉब्लम है, जो तंत्र क्रिया की गई है, वो अभी सही हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी उस चीज को मतलब सोचते हो कैसे हुआ, आई कांट बिलीव कि आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 3 से 4 दिन में मेरे दांत ब्लैक से व्हाइट हो गए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो मेरे जो भी लोग मेरे फ्रेंड सर्किल था, सारे लोग बोल रहे थे कौन से डॉक्टर को दिखाया जिससे तुम्हारे जो ब्लैक दांत सही होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा मेरे पेट में भी दर्द रहता था। सुमन जी सुनिए, आपका जो ये जवाब है ना, जिस उत्साह, जिस खुशी के साथ, जिस अंदाज के साथ, मैं वही जवाब सारे फॉलोअर से सुनना चाहता हूँ। वो बात सही है, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ सर, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रही, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि दर्द लेके इंसान जाता है, अगर चीजें नहीं हो पाती तो लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है। क्या कमी होती है बताइए मुझे, ताकि मैं दूसरे लोगों को फोन आए मैं उन्हें बताऊं। सर मैं जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ, मैंने वहाँ पे आश्रम में सेवा भी की है, तो जहाँ मैंने जितना देखा है, आप पैसे की मैं बात नहीं कर सकती ठीक, क्योंकि अंदर का मुझे नहीं उतना पता, लेकिन जितना मैंने जो देखा है वहाँ पे, मेरे साथ तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। अच्छा रहने की व्यवस्था भी है, और जो आप कह रहे हैं मेरी, हम अपनी कमी बता रहे हैं सर, मैं खुद अपना बोल रही हूँ। अगर मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरी कोई समस्या है और मैंने एक पर्ची कटाई है ठीक है, एक पर्ची कटाने बाद मेरे मन में लालच आ जाए कि मैं अब गुरु जी के पास आ गए, 2 से 3-4 पर्चियां कटा लेते हैं। गुरु जी का विधान है वहाँ पे कि अगर आप एक भी पर्ची कटाते हैं तो उसका आपको 11 ओम नमः शिवाय की माला और 11 पाठ करने ही होंगे। लेकिन सर मैंने खुद आंखों से देखा है हनुमान जी के मंदिर में कि लोग चप्पल पहन के बैठते हैं वहाँ पे, ठीक से जाप नहीं करते, ठीक से पाठ नहीं करते। ठीक है आपको अगर जाप करना नहीं आता तो वहाँ पंडित जी बैठे, वो बताने के लिए तैयार है लोगों का ध्यान क्या होता है कि गुरु जी से मिल लें, बस गुरु जी से मिल लें। गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो लिख के देता हूँ, लेकिन आपकी जो भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। गुरु शरण जी ने हमसे बात में भी यही बात कही थी, मैं इस बात को मानता हूँ। उन्होंने भगवान छोड़ो, उन्होंने तो कहा मैं संत भी नहीं हूँ, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है, मैं उस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन अब मुझे बताइए, जो लोग चप्पल पहन करके वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर पंडित जी हैं या वहाँ की व्यवस्था के लोग हैं, वो क्या उन्हें टोकते नहीं, क्या वो उन्हें बताते नहीं? सर मेरा खुद झगड़ा हुआ है कितने लोगों से, टोकते, अरे सर इतना बेकार से बोलते हैं ना लोग कि आप जब रहोगे ना, अभी सेवा करोगे ना आप कहीं पर, तो आप जब कोई बहुत गंदा शब्द बोलेगा ना
तो आपका दिल अंदर से दुख जाएगा। मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं हनुमान जी की भक्ति में लीन रहती थी कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, कुछ भी मतलब नहीं था, बस जाती थी अपना भक्ति भाव करती थी और चली आती थी। पर आज जो मैंने ये सुना तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो फिर मैंने मुझे आपका एक चैनल थोड़ा सा लगा अपनी बात कहने का, तो मैंने आपसे किया। अब मानते हैं सर कि सभी लोग परेशान हैं, आज की डेट में ऐसा नहीं कि कोई कौन मानता है, पूरा विश्व परेशान है कोरोना की महामारी से। देखिए ना सर, अच्छे से अच्छे लोग परेशान है, पर आप ही बताइए, अगर आपके लिए मैं एक ही कटोरी में सारा कुछ खाना डाल दूं तो उसका टेस्ट कैसा होगा, और आपको मैं अलग अलग करके दूं तो कितना अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो वही है, अगर हमने पांच पर्ची कटाई है तो हम पांच जो हमारी जो गुरु जी विधान बताते हैं उसको फॉलो करना होगा, पर नहीं करते लोग सर। माला को खींचते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, उसका जाप ही नहीं ठीक से करते, पाठ नहीं करते। देखिए एक बात ये आप बताए, बहुत कुछ लोगों में ये हो सकता है, लेकिन जो थोड़े भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर से विदेश से आते हैं, उनको अगर व्यवस्था बता दी जाए कि आपको ये करना है वैसे करना है, तो वो लोग डिसिप्लिन वाले होते हैं, वो लोग बिल्कुल करेंगे। इसका जवाब भी मेरे पास है, इसके लिए आप चाहे किसी से भी इंक्वायरी करवा सकते हैं। हमारे वहीं पे एक मतलब वो है गुप्ता अंकल जी, उनका नाम है गुप्ता जी, ठीक है। वो दरबार में गुरु जी के आने से एक डेढ़ घंटे पहले ही वो माइक से अनाउंस करते हैं कि जो भी यहाँ पे भक्त आएगा उसको सबसे पहले यहाँ आकर पुष्पावती गंगा माई में स्नान करना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, शिव जी को जल अर्पित करना है, ग्यारह माला ओम नम शिवाय की जाप करना है, पंडित चालीसा करना है, उसके बाद आपको गुरु जी से मिलना है। वो बोल सभी बोलते हैं वहाँ पे, और जहाँ जो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो पंडित जी बैठते हैं वो हर पर्सन से ये बात बोलते हैं कि आप जाप करिए, पाठ करिए और हनुमान जी पर विश्वास करिए। सर मैं पांच पांच घंटे छह छह घंटे उस मंदिर में रही हूँ, और इतनी इतनी भीड़ होती थी, मैंने लाइनें लगवाती थी मैं वहाँ पे, मैंने वहाँ साफ सफाई की भी थोड़ी बहुत, जो भी ईश्वर की कृपा से मुझे जो सेवा मिली है तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज आपकी बात सुमन जी जाएगी ना, तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन्हें भी पता चलेगा कि जो डिसिप्लिन है उसका भी। अक्सर एक लास्ट में एक बात और कहूंगी, जो आस्थ गुरु जी जो बोलते हैं, आस्था विश्वास जो बोलते हैं, ये बात सत्य है, इसी को हमें रखना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अब लोग करौली सरकार में जाते हैं तो वहां पर भी तो गुरु जी बोलते हैं कि आपकी आस्था होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। और यही हमारे गीता में भी तो यही है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि आस्था विश्वास से श्रद्धा से आप तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप दूर कर दूंगा। तो यही है कि आप चाहे हनुमान जी के मंदिर जाओ, चाहे शिव जी के मंदिर जाओ, अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा पूरा नहीं है तो काम किसी का कुछ नहीं होगा। मैं कहूँ कि मेरे 100% काम हो गए, ये हो गए। पहली बात तो मैं काम के लिए जाती नहीं थी, क्योंकि मैं वापस अपने स्वास्थ्य के लिए गई थी, मेरा ठीक हो गया था। उसके बाद मुझे वहाँ बहुत रिलैक्स मिलता था, अच्छा लगता था, तो मैं दर्शन करने जाती थी, ठीक है। और मुझे लग रहा है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपकी बात को, शायद देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड होती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि तब मैं आपका उसमें दे देता, वीडियो में चला जाता, आपकी हमारी इतनी बात हुई है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर रिकॉर्ड हो गई ये बात तब तो आज चली जाएगी, आज नहीं कल चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड का सिस्टम तो दबाया था, लेकिन मुझे लग रहा है वो म्यूट दिख रहा है। अब मैं आपसे अगर बाय द वे रिकॉर्ड नहीं होता है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, मैं आपसे कल परसों फिर बात करूंगा, आप सारी बात बताइएगा। मेरा मकसद किसी का पक्ष या किसी का विपक्ष नहीं है, मेरा मकसद स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो शक्ति के धाम हैं उनकी गरिमा के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। समझ गए ना मेरे तो न तो मैं तो पंडोकर जी के गुरुशरण जी महाराज मुरे मेरे से आकर के बात किए हैं, मैं तो उनकी विनम्रता का कायल हूँ, लेकिन जो लोगों के सवाल हैं वो तो मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार। मैं वो मेरे गुरु हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात सुनिए, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, इसलिए अधिकार है, आपकी श्रद्धा से आपके मन की भावना बोल रही है, आपके कुछ काम हुए हैं तब आपको बोलने का पूरा अधिकार है, क्यों नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं नहीं बोल सकता
मैं दोनों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं कर सकता। सर मैं भेदभाव नहीं कर रही, आपने आप नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपका जिसके साथ, आपका अगर मेरे साथ कोई काम होगा तो आप मेरे विरोध में कोई भी बात सुनोगे तो आपको तकलीफ होगी, आपके मन में बात आएगी कि यार इनके साथ तो मेरा इतना अच्छा काम हुआ है, दूसरे लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं, है ना। आपको वो पक्ष रखने का अधिकार है, गुरु जी के साथ आपका काम हुआ है, आपकी मनोकामना पूरी हुई है, आपको पक्ष रखने का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, और मैं आपके पक्ष को पूरा रखूंगा। अगर आज ये हो गया है तो इससे कैसा चला जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो हम कल परसों फिर बात करेंगे, मैं आपकी पूरी बात लूंगा। ओके थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार सुमन जी, बहुत बहुत आभार। ओके बाय सर।